जा चुनु चुनु जात चुनु जात चुनु जात करिए चुनु जात करिए जात चुनु जात चुनु जात जात कर दे जात बुआ जाओ बाय कर दे बाय बाय कर दे बुआ जाओ बाय बाय चुनु चुनु बाय बाय जात ए जात चुनु बाय कर दे बाय हेलो फ्रेंड तो मेरा हो गया है बैग पैक ये है दूध में लेके जाने वाली हूँ अभी और इसमें है गाजर पाक हुआ जो मैं लेके जाऊंगी और वहां दिखाती हूँ सुकून क्या कर रहा है तो यहाँ पर है माँ और ये दोनों इनकी बुवे और ये सब यहाँ खड़े हैं टाइम पास करने रोटी तले बना दिए ना माँ तो वाह उसी पूरे बना ली कड़ी के तो बने ले जाऊंगी बोल भी बना ले दूध ये हमने यहाँ पर का पाक खाया जा रहा है चाय के साथ ये यहाँ पे अपने बना ली कड़ी आज टेस्टी कड़ी है ये है आल की कड़े पर ना होगी गाड़ी तुनू का थी नहीं उस दिन जिसी तो सही भी है ये और पकड़ दी सर जाके थोड़ी दे दिए सर उस दिन तो चावल थे आज तो रोटी आ गई सर कल थी ना मेरे साथ लस्सी नहीं है तो इसलिए लस्सी थोड़ी थी तो फिर हमने कड़ी भी थोड़ी बनाई काम चल जाएगा बच्चों के साथ साफ कर लिया ना जो इसके पैर रखे जाएंगे रवि के पहले इधर लगाओ रखो 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 दिखाओ ऑडियो में कुत्ते का तेरे दांत हो गए दोबारा बनानी है आज बच्चों ये ढंग से उठा ले ओए भाई मैं नंबर प्लेट दिखाने लग रही थी मैं अभी सच में पागल होगी रितु की मेरे पैर रखवा दो मामा मैं दो वीडियो बनाओ तुम मम तो बना लग रही टुकड़ू खड़ा जा रही है आ दिखा ओ ना बस के कर आयो देखो मैं सस्ती बना के दिखाऊं बोले मामा वीर हो दिलु तो ना हमारो ऐसे मिटे गयो हेलो फ्रेंड तो मैं आ चुकी हूँ वापस घर आप देख सकते हो आपको पता चल ही गया होगा और मैं आई थी वैसे तो सुबह आई थी मैं फिर वो लोग नहीं बनाया क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया बहुत सारे कपड़े थे वो धोए और झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारे काम अरे यहाँ पति देवस रहे आप सोच रहे इनके लिए आना पड़ा मुझे क्योंकि आप सबको पता है इनका ऑपरेशन हो रखा है तो फिर आप समझ ही सकते हो और फिर कुछ कपड़ों का था क्योंकि ये एक हफ्ते के लिए जाते ड्यूटी तो फिर कपड़ों पे तो आज मैंने धो धा दिए सारे कपड़े सफाई कर दिए घर की बहुत सारे बर्तन थे वो साफ कर दिए हैं ऐसे कमरे सेट है अब मैं जा रही हूँ एक बार मार्केट क्योंकि प्रमिला का एक सूट है उठा के लाना है वो भाई को दे दूँगी और कुछ छोटा मोटा सामान लेके आना है कलानों से और मेरा भी एक सूट जो वेलवेट वाली कुर्ती वो सिलने दे के आऊँगी तो चलिए चलते हैं मार्केट और फिर मिलते आपको थोड़ी देर दिखाती हूँ क्या कुछ लाऊँगी वैसे तो कुछ लाना नहीं जाता क्या बंद करना है और बस सर्दी ज़्यादा है और आज धूप आज भी नहीं निकली कपड़े पता नहीं सूखे निकले मैंने सारे कपड़े वहाँ पर डाल रखे क्योंकि आप दिख रही वहाँ पर डाल दिए यहाँ पर डाल दिए जगह डाल दिए ऐसे क्योंकि बाहर डालूँगी भाई गीले हो जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद फिर उतार के लाने पड़ते तो मैंने सोचा यहीं पर डाल देती हूँ बंद है थोड़ी बहुत हवा निकल जाएगी फिर कल का दिन सूख जाएंगे तो अभी चलते हैं एक बार मार्केट और सर्दी की वजह से मुझे तो
मन भी नहीं करता मार जाने का, अकेले खा के मैं इनको लेके जा रही हूँ साथ ही, कहती मुझे कोई काम नहीं, फिर भी मैं इनको साथ में लेके जा रही हूँ कि मन नहीं करता अकेले अकेले जाने का। बच्चे होते तो इनको साथ लेती, तो बच्चों को मैं छोड़ के आई वहीं पर, क्योंकि मैं जाऊँगी वापस मंडे को सुबह सुबह, मंडे को तो मैं सुबह ही चली जाऊँगी, और फिर देखती हूँ कितने दिन रुका जाता है, क्योंकि पक्का कन्फर्म नहीं है कब तक ये जाएंगे फिर आ जाएंगे। क्या करें भैया, ऐसा ही प्रॉब्लम है, अगर ठीक ठाक होते क्योंकि ऑपरेशन हो रखा है तो काम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, तो झुकने वाला और बोझ उठाने वाला, तो इसलिए मैं आ गई थी वापस। और अभी चलते मार्केट, तो इनको लेके चलती हूँ मैं साथ। ये मना कर रहे थे लेकिन मैं इनको ज़बरदस्ती मैंने बोल दिया कि नहीं चलो मेरे साथ, तो चलो चलो चलते। फिर मैंने वैसा लिया, वैसा वैसा वैसा, ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर सूट है पर्पल कलर का, और इस पे है ये कौन सा वर्क बोलते पता नहीं, कलकत्ता वर्क, और ये है 2700 रुपये का, और ये है केलोरु, ये है स्वेट शर्ट, बहुत मैंने लिया ऐसी स्वेट शर्ट, जब मैं आपको पहनूंगी तब आपको दिख जाएगी, ये रही मेरी स्वेट शर्ट। और ये है जो सूट दिखा था वो सिल चुका है, ये एक है नाइट सूट, और यहाँ पे मैंने लिया है कलानों में 550 रुपये का, और हम रोहतक से लेके आए थे 600 रुपये का, मैंने उसे बोला कि हम 550 में लेके जा रहे हैं, वो बेचारा बोला 550 में, झूठ बोल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जैकेट अच्छी अच्छी, ये देखो कितनी सारी जैकेट पड़ी है, अगर आपको लेनी तेरी ना बताती मैं, मतलब मेरा बताऊ नाइट सूट का वीडियो, मतलब नाइट सूट का बताऊ ना मैं, कम रोज तक तो 600 रुपये का लाई, यहाँ पे मैं ले लिया 500 रुपये में। ये है जैकेट, ये बहुत अच्छी जैकेट, अगर आपको लेनी है तो आ जाना, बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी आपको। ये है कलानौर में श्रीवस्त्रम नाम से शॉप है, पंजाब नेशनल बैंक से आगे जाओगे तब आपको मिल जाएगी, और ये ढेर लगा हुआ है यहाँ पे जैकेटों का, और ये अच्छी अच्छी स्वेट शर्ट, अगर आपको भी लेनी है तो आप आ सकते हैं, और आप मेरा नाम लेके आओगे तो आपको थोड़ा बहुत लेस भी मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट, ठीक है। ये है लोअर की वेरायटी, ये है वैसी वाली, मतलब जो बच्चे पहनते हैं थोड़ी हल्के वाली स्पोर्ट्स में, जो सुबह वॉकिंग के लिए जाते वो ये पहन सकते हैं, और ये है वैसी स्वेट शर्ट, उधर लगा शर्ट का स्टॉक, क्योंकि अब शर्ट तो गर्मी सर्दियों में कोई नहीं पहनेगा, तो इसलिए अगर आप आना चाहे तो आ सकते। देखो ये लेने के लिए आए थे, ये लेके जा चुके हैं जैकेट, एक आपको घर जाके दिखा दूँ, कभी पहनेंगे तब, और मैंने भी ले लिया। तो फ्रेंड अभी आ गई है चाय, और हम पियेंगे चाय, ये चाय का पीछा हम कभी नहीं छोड़ते चाहे कहीं भी जाए। तो फ्रेंड मैंने बनाया है ये सूप, ये एक हम लेके आए थे दो सूप, वैसे तो रेडीमेड है पर कोई नहीं सर्दियों में चलता है, पर आप घर पे बना सकते हैं आसानी होता है। एक है मिक्स वेजिटेबल, और एक था ये पता नहीं, ये तो मैंने पी रखा लेकिन नहीं मैंने ले रखा, मंचू वेज पता नहीं क्या, ये शायद मंचूरियन वाला टेस्ट हो सकता है इसका, और ये है सूप का बाउल, तो अभी इसमें डालेंगे हम सूप, और फिर टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसा क्या कुछ होगा। तो ये पूरा बाउल भर चुका है यहाँ पर, और ये हमारा सूप हो गया तैयार, तो अभी आपको पी के भी बताते कैसा। इसमें मिर्ची मेरे को बहुत तेज लग रही है, वैसे ये अच्छा है, मैं तो पी लेती हूँ, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, सर्दियों में ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है, आप चाय छोड़कर ये पी सकते हैं, चाय की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ये रेडीमेड है लेकिन आप घर पे बनाना चाहो तो वेजिटेबल टमाटो सूप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं पीती हूँ सूप, तब तक आप इंजॉय कीजिए। कैसा है जी, एक नंबर सुपर, चलो अच्छा है, मजा आ गया। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी, तो आज मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्जी, और ये खोआ थोड़ा सा लेके आई थी मैं घर से, ज़्यादा नहीं लेके आई, तो इसकी मैं बना दूंगी बर्फी, और बस फिर हम खाएंगे खाना, और बच्चों के बिना तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अकेले अकेले फिर वही बात है क्या करे, मन भी नहीं लगता। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जो था ना कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।